Now, when we have a reaction wherein a reactant is giving a product, then the average rate of the reaction, what will its formula be? -1 by a. यहाँ पे तो ए है ही नहीं, यस देन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर चेंज इन टाइम, दैट वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. ओके, सिंपल वन. बट लाइक वी जस्ट नाउ हैड, आई थिंक सो दैट वाज जोया, राइट जोया? यस सर. लाइक इफ यू टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर इन, लेट्स चेंज द कलर, ऊपर वाला तो वो था, वेयर इन वी हैव ए मोल्स ऑफ ए रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी गिविंग अस सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी. ठीक है, तो अब सबसे पहले यहां पे एक चीज समझना जरूरी है, द रेट ऑफ अपियरेंस एंड डिसअपियरेंस आर डिफरेंट देन रेट ऑफ द रिएक्शन. अगर हम कहें रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी, तो इट विल ओनली बी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. इफ यू टॉक अबाउट रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ डी, इट विल बी व्हाट? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी. परफेक्ट. एंड इफ यू टॉक अबाउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, देन इट विल बिकम व्हाट? सो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा डी. आई परफेक्ट. ओके, एंड देन इफ यू डू व्हाट, इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास नाउ इफ यू से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, देन इट विल बिकम माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा डी. राइट. शाबाश. ओके, नाउ दिस इज रेट ऑफ अपियरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस. बट इफ यू लुक एट द रिएक्शन, इफ यू लुक एट द रिएक्शन एंड वी से कि भैया इस रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, व्हाट वन इज? अपॉन ए डेल्टा बी बाय डेल्टा डी. ओके, सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, विच विल बी इक्वल टू फिर -1/b. माइनस वन अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. रिएक्टेंट वाले माइनस होंगे, प्रोडक्ट वाले प्लस होंगे सर, वो मतलब सेम एग्जैक्टली रहेगा. बाकी सारे सेम तरीके से होंगे एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स द डिफरेंस. ओके, नाउ ये हो गया आपका डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी. ओके, नाउ इफ इन आवर क्वेश्चन दिस इज गिवन एंड दे से फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इक्वल कर देंगे सबके साथ, सब इक्वल है. कर दिया ना, मिस्टेक हो जाएगा ना. नंबर ऑफ मोल्स यस, डिवाइडेड बाय सी करोगे तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन आएगा. दिस जस्ट गिव्स अस द रेट ऑफ अपियरेंस. मैंने संडे भी आप लोगों को कहा था कि बोर्ड्स में ऐसे आया था क्वेश्चन और रेट ऑफ रिएक्शन बोला था, तो 99% लोग क्या करके आए थे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का आंसर लिख के आ गए थे और अंडा मिला था सबको. सो वी नीड टू डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ मोल्स टू गेट इट इनटू द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो इज एवरीवन क्लियर विद दिस? रेट ऑफ अपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ द रिएक्शन. यस. परफेक्ट. ओके, नाउ ओनली वेरी फ्यू पीपल वर नॉट देयर ऑन संडे, सो आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू ऑल टू जॉट डाउन, दैट वेज विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो पीपल हु आर नॉट देयर ऑन संडे वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द वीडियो एंड पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट्स. ओके, मेक योर ओन नोट्स अबाउट इट. नाउ इफ आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस, ओके, वेयर द वाई एक्सेस इज द कॉन्सेंट्रेशन, द एक्स एक्सेस इज द टाइम एंड माई ग्राफ इज कमिंग लाइक दिस.
Now, this graph that I have made, it is for a reactant or a product? Reactant. Okay. Why did you call it for a reactant? Why do we say that it is for a reactant? Because over time, the concentration of reactant gets converted into the product. Exactly. So the concentration decreases. Okay. And then I had asked you all one question on that day. Ki generally, you'll see that this concentration of reactant zero nahi hota. Why? Because reactant mein limiting or excess donor agent hota. Exactly. And then in the next graph, it starts from zero and curves like this and goes here. So this, yes. Haan ji beta. सर एक बार सर ये वाला समझा दो सर क्या बोलते हो जीरो क्यों ना सर लिमिटिंग और फिर से संडे वाला ही एग्जांपल दे रहा हूं बेटा किताब है प्रत्यूष को गुस्सा आया कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने क्या किया गैस चूल्हा जलाया और किताब को गैस चूल्हे के ऊपर रख के जला दिया क्या खत्म होगा सर बुक खत्म हो जाएगा बुक विल फिनिश ओके बुक किस चीज में जला डज इट बर्न विद द हेल्प ऑफ व्हाट व्हाट डज इट बर्न विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या घर का ऑक्सीजन खत्म हो गया नो सर लेकिन बुक फिनिश होते ही क्या रिएक्शन रुक गया यस सर नाउ द रिएक्शन स्टॉप्स So, ये जो चीज खत्म हो जाए बेटा वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ये तो जीरो हो गया रिएक्शन में लेकिन रिएक्शन में ऑक्सीजन भी था जो कि जीरो नहीं हुआ जो रिएक्टेंट वाला जो ग्राफ है वो कंबाइंड बनता है हाँ एग्जैक्टली अगर ऐसे अलग से दे दिया जैसे सर हाँ तो एक ज्वाइन करेगा जैसे मान लो बुक का दिया बुक का हमारा ऐसे होके ऐसे जीरो पे आ जाएगा आ गया ना ना सेकंड ग्राफ हमारा किस चीज के लिए है प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए व्हाई बिकॉज़ हियर वी कैन सी द कॉन्सेंट्रेशन इज एट जीरो फर्स्ट किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होता है इनिशियली प्रोडक्ट का एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ठीक है ये चीज आ गया समझ में एवरीवन हेलो 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 यस ओके अब अगर अगर मैं यहां पे देखूं बेटा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखूं तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्पीड में कब हुआ है लेकिन वही चीज मैं यहां से यहां लूं अब देखना इस टाइम पीरियड में कॉन्सेंट्रेशन इतना ही कम हुआ है ऐसा क्यों Why did the concentration decrease rapidly initially but as the reaction continues the rate of disappearance of the reactant decreases why कोई तो कुछ भी बोलो यार आई हैव आस्क्ड यू ऑल कि मेरे क्लास में गलत भी बोलोगे तो इट्स ओके साइंस कहता है कि हम गलतियों से ही नया इन्वेंशन करते हैं एनीवन अभिषेक आर्यन अश्वति आयुष चारु किंगशिप कुशाग्र निदार्शना निकिता प्रत्यूष रियान श्रेया तमन्ना जोया नो वन ओके सो इसको समझने के लिए फिर आई हैव टू टीच यू वन मोर थिंग उसके बाद ही इसके न्यूमेरिकल पे जाएंगे कैन यू ऑल टेल मी हाउ डज अ रिएक्शन अकर व्हाट इज द कॉज ऑफ अ रिएक्शन
अगर ये मेरा एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, या अभी किताब वाला ही लेते हैं एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल, ये बुक यहां पे है और ये आग यहां पे है, ये आग के लपटे यहां पे है, क्या बुक कभी जलेगा? नो सर। नो। अब मैं बुक को यहां पे लेके आ गया, क्या बुक जलेगा? नो। मैं बुक को यहां पे लेके आ गया, क्या जलेगा? नो, इट इज स्टिल फार अवे फ्रॉम द फायर, बट मैंने बुक को यहां पे डाल दिया, क्या ये जलेगा? यस। ठीक है, इनिशियली बुक स्पीड में जलेगा या एंड में? इनिशियली बुक स्पीड में जलेगा या एंड में स्पीड में जलेगा? इनिशियली। इनिशियली, एंड में इट विल बी स्लो। व्हाई इज द बुक बर्निंग फास्ट इनिशियली? बिकॉज उसमें पेपर ज्यादा है। हाँ, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ऐ शाबाश, यही मुझे सुनना था, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ओके, अब ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो दीज रिएक्टेंट्स आर मूविंग, when they are moving they are colliding, and when they will collide they will react. You cannot expect hydrogen to be on the moon, oxygen to be on the earth, aur beech mein hame pani mil jayega. Magic, jadoo, aisa jadoo hota hai kya? For water to be formed from hydrogen and oxygen, what has to happen? There has to be a collision. अब ये रिएक्शन कैसे होता है इसको भी देखना। ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये लास्ट ईयर आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में किया है। सबसे पहले द हाइड्रोजन गैस नीड्स टू ब्रेक एंड फॉर्म एटॉमिक हाइड्रोजन, द ऑक्सीजन गैस नीड्स टू ब्रेक एंड फॉर्म एटॉमिक ऑक्सीजन. Now these hydrogen atoms and oxygen atoms will collide with each other. When they collide with each other, new bonds will be formed. जब तक collision ही नहीं होगा, अपने आप तो bonds form नहीं हो सकता भाई, ठीक है? So this is how a reaction takes place, and that is what the answer we have already got. One of our friends has already given us the answer. यहां पे कॉन्सेंट्रेशन भाई ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कोलिजन्स ज्यादा होंगे, कोलिजन्स ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा। यहां पे रेट क्यों कम हो गया, अब कौन बताएगा यहां पे रेट क्यों कम हो गया? कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। एग्जैक्टली, सो एट डिफरेंट प्लेसेस इफ यू मेजर द डिफरेंट, यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे चेंज इन टाइम, तो अगर केस वन में ये रेट चेंज अपॉन चेंज इन टाइम करेंगे तो द रेट विल कम मोर, लेकिन इस पार्ट पे रेट को मेजर करेंगे तो यहां पे रेट विल बी लेस। आ गया ये भी चीज समझ में? यस सर। ओके, सो अब यू कैन कॉपी दिस, बिकॉज संडे को ये मैंने करवाया नहीं था, तो यू कैन जॉट दिस डाउन, दिस ग्राफ डाउन, एंड मेक योर ओन नोट्स आउट ऑफ इट।
As soon as you are through, do let me know so that we can move to the numerical part. Hey Aisha, why are you so late? Cool, till what time is school? ओके सो ये तो आप लोगों का अटेंडेंस सी अटेंडेंस ऐसे स्निप टूल होता है कंट्रोल जी सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन हियर सो दिस इज ऑन द थर्ड पेज ऑफ योर बुक ओके दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर दैट तो हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन ये रहा बेटा ठीक है आप Question says, okay, during different time intervals, find the rate of reaction. आप बेटा सबसे पहले इसी टेबल में क्या करना चेंज इन टाइम सबसे पहले ये वाला लेना दैट वुड बी 50, फिर ये वाला लेना दिस इज ऑल्सो 50. सो इन एवरी केस द चेंज इन टाइम इज 50. ओके Now change in concentration. No, not every time. From here it is 100. So this is 100. This is 100. And then 400 to 700 would be 300. And then this one would be 100 again. Ab fir change in concentration of the reactant lena. Theek hai? C4H9Cl is reactant. Now change in concentration mein. इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना होगा 5 5 10 9 9 9 0 and then 9095 यही होगा ओके अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना होगा 5 then 2 8 10 and then 8 8 0 इतना ही आएगा देखना 0.0085 यही आ रहा है yes, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताना 9 1 10 दैट विल बी एन 11 7 4 11 So it will be a 0. इसके लिए एक लाइन भी बनाना जरूरी है नीचे लिखता हूं 0.0079 ये 90 तो नहीं होगा ये 0.0 होगा राइट ये 0.0095 होएगा अब बेटा इसका सब्ट्रैक्शन करके बताना कितना होगा 0 7 7 14 0 0 0 चेक करना
I'm also doing it together with you all, so please check. Don't just copy it. 9, 10, 11, 7 will become a 6, 4, 5, 6, and 5, 1, 6. Oh, but this is increasing. Okay, 100 seconds PA. So 0.0. Ab yahan pe it will be 990 314 415. So 0.0 यहाँ पे हो जाएगा, इट इज 9 एंड देन 213 224, 0.0 एंड देन दिस इज लास्ट वन, सो इट विल बिकम 7 8 9 10 3, दैट विल बिकम अगेन अ 10, सो 9 1 10 एंड दिस इज नो I am making a mistake. वो 3 decimal place है, वो 4 decimal place है. So control Z. So it would become 1 2 3. 7 plus 4 11 and 0 0 0. So 1 2 3 1 2 3. Okay guys, check if I've done it correctly or if I've made any error anyway. So to find the average rate of the reaction, it would become, and by the way, all these answers are in negative. All these answers that we got is in negative. Okay, so there was a basic error that we had made. Ab isme kya karenge? We need to find the rate of the reaction. So pehla wala rate kya ho jayega? Negative into negative, positive. 0.0095/50. Okay, then negative negative positive, 0.0085/50, and then 0.0079/50, फिर 0.0070/50, फिर 0.0122/100, ये इसके साथ था, एंड देन द नेक्स्ट वन इज कितना, नेक्स्ट हमारा कितने में आएगा, 0.0110/100, देन द सेकेंड लास्ट वन वुड बी 0.0229/300, एंड देन 0.004/100. Okay. Now, don't forget what you did in class 10. Okay, some people would just run to get their calculator or use their phone. Why to do that? This is very easy calculation, yara. 50 hai na. 2 se multiply kar do. 2 decimal place piche kar do, answer aa gaya. 2 से मल्टीप्लाई 2 डेसिमल प्लेस पीछे आंसर आ गया. सो आई एम गिविंग यू ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 आर देयर. आई एम गिविंग यू ऑल 3 मिनट्स टू कंप्लीट एंड टेल मी द रेट ऑफ द रिएक्शन. के आंसर्स, गिव द आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. लाइक आई सेड, इट इज प्रीटी ईजी कैलकुलेशन. सो कैलकुलेशन शुड नॉट बी टेकिंग अस मच टाइम. So 95 into 2 is 180. So that would be first answer 0.00180 divided by 100. So divided by 100 means, if I want it in scientific notation, it would be 1.8 into 4 decimal places. So here it should have been here. So 10 to the power of 1 2 minus 2/100. Ashwati, dekhna beta, 1.8 into 10 to the power of minus 4. First answer. So 1.9. 95. Okay. 19. Yes. And then 85 2 is 17. The second answer, if I'm not wrong, should be
1.7 into 10 to the power of minus 4. And the third answer, it is again 2 se multiply yoga. 2 9s are 18, 1, 2 7s are 14 and 15. So it would become a 1.58 into 10 to the power of minus 4. The third one would be, the fourth one would be then 1.4 into 10 to the power of minus 4. The fifth one is 1.22 into 10 to the power of minus 4. The sixth one is a 1.1 into 10 to the power of minus 4. The seventh one, 3 se divide karenge, 3 sevens are 21. So 0.7 and then 3 sixes are 18. 0.76. Okay, two decimal place. So say agar 7.6 karein, 7.6 karein, to 10 to the power of minus 5. And 8 to 100 se hi hai. So it will become a 4 into 10 to the power of minus 5. Yehi hai dekhna beta. Did I make an error anyway? If I have, please correct me. So 7.6 into 10 to the power minus 4 hona chahiye na. Agar 0.229 divided by 0.0 hai. To agar humne isko kiya beta, तो पहले तो हम ले लेते हैं इसको 3 से. ओके, तो 0, फिर एक और 0, फिर 7, तो 0.007 एंड देन 21 1 18 6. तो 1 2 3 डेसिमल प्लेस. 7.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 बेटा. ठीक है? यस सर. ओके, so at next class mein we will go to the instantaneous rate of reaction and the order of the reaction. We'll do the theory in brief and then do the numericals. Theek hai? To aaj ke liye yahin pe. Hopefully all of you all understood it. Okay, so bye bye, take care, see you all day after tomorrow, same time. Thank you, sir. Good evening. Good evening, beta. Bye bye. Thank you, sir. Pleasure, beta. Pleasure. Sir. Yes. Thank you, sir.